न्यू टॉपिक और चैप्टर हमारा वही चल रहा है चैप्टर 5। और आज जो मैं करवाऊँगी स्टूडेंट्स आपका आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास बिकॉज आपका जो और टॉपिक है यानी जो चैप्टर है चैप्टर 5 डिवीज़न है। और जो चैप्टर टॉपिक मैं आज करवाऊँगी स्टार्ट वो आपका तीनों क्लासेस का सेम है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तीनों क्लासेस के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तीनों क्लासेस के लिए सेकंड, थर्ड एंड आल्सो क्लास 4। सो सेकंड क्लास स्टूडेंट्स का डिवाइड डिवीज़न जो चैप्टर था वो कल ही स्टार्ट हुआ था। सो टू डिजिट नंबर्स का कैसे डिवीज़न होता है वो हो गया था आपका, और आज जो है आपका थ्री डिजिट नंबर और सेम थ्री डिजिट नंबर के डिवाइड वाले क्वेश्चंस किस कौन सी क्लास के लिए भी है यूज़फुल, थर्ड क्लास के लिए, सेकंड एंड थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थ्री डिजिट का को डिवाइड करना एंड ऑल्सो फोर्थ क्लास आपके का भी एक बार क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करूँगी थ्री डिजिट नंबर से, रिवीजन ऑफ थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, थ्री डिजिट नंबर का कैसे डिवाइड करते हैं वन डिजिट नंबर सिंगल डिजिट नंबर से वो हम देखेंगे। देन उसके बाद हाउ कैन वी चेक योर आंसर दैट इज़ रॉन्ग या राइट, ये देखेंगे कैसे कि कैसे हम अपने पहले तो डिवाइड करेंगे देन उसके बाद क्या देखेंगे कि चेक अपने आंसर को चेक करेंगे कि वो हमारा आंसर राइट है या नहीं है। और तो वो भी आपका क्या है एक मेथड है उस तरीके से ही करेंगे और ये आपका क्वेश्चन में भी गिवन होगा। तो तीनों क्लासेस को आज मैं सेम टॉपिक करवा रही हूँ जिसमें आपको डिवाइड करना है और अपने आंसर को चेक करना है। सो डिवाइड एंड चेक योर पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं लिख रही हूँ तीनों क्लासेस की क्योंकि तीनों पर का जो ये टॉपिक है ना वो अलग अलग एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले मैं आपको थ्री डिजिट नंबर के को डिवाइड करके चेक करना बताऊँगी और देन उसके बाद फोर डिजिट नंबर। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन डिजिट मिले आपको ऐसे भी मिल सकता है या आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी आपको जैसे मैंने ये डिजिट लिखे ना इस तरीके से भी आपको हो सकता है। ठीक है कि आपको ऐसे भी दे दिया जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे भी दिया है तो आपको जो स्टार्टिंग डिजिट होती है उसको सेंटर में लिखना है एंड नंबर 4। सो कल क्लास में भी बताया था मैंने कल की क्लास में और फोर्थ क्लास को पहले बता दिया था कि व्हाट इज़ द नंबर, दिस नंबर इज़ कॉल्ड डिवीज़र डिवीज़र एंड दिस इज डिविडेंड। जो सेंटर में जो बीच में जो नंबर होता है वो डिविडेंड होता है और ये क्या होता है डिवीज़र होता है। हमारा जो हम क्वेश्चन हम इधर भी लिख सकते हैं और इस साइड में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी फर्स्ट नंबर ऑफ द डिजिट यानी फर्स्ट नंबर देखेंगे, अगर फर्स्ट नंबर क्या होता है यहाँ पे क्या हो स्मॉलेस्ट हो या इक्वल हो इस नंबर, इस नंबर से या तो स्मॉलेस्ट हो या इक्वल हो तब तो आप वन मतलब तब तो आप इस सिंगल डिजिट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट फोर वन ज़ा फोर इक्वल है ना, सो फोर वन ज़ा फोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता इससे तो क्या होता हम दोनों नंबर को यूज़ करते। ठीक है, टू डिजिट नंबर को यूज़ करते, फोर वन ज़ा फोर वन ज़ा फोर क्वेश्चन हम यहाँ भी लिख सकते हैं और आप इधर भी इस तरीके से घुमाकर इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे ज़ीरो, देन माइनस करने के बाद हमेशा जो नियरेस्ट डिजिट होती है उसको हम नीचे लिखते हैं माइनस करने के साथ ही, तो नाइन। तो आप टेबल बोलेंगे फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तब तक बोलेंगे जब तक आपको ये नंबर नहीं मिल जाता। और अगर ये नंबर नहीं आता है तो आपको क्या करना है उससे स्मॉलेस्ट नंबर का यूज़ करना होता है। फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, अभी तो नहीं आया नाइन, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। तो जैसे ही बड़ा नंबर आता है तो आपको क्या है स्टॉप हो जाना है, ट्वेल्व तो बड़ा हो जाएगा उससे बिफोर क्या आएगा एट। सो कितने टाइम्स फोर टू ज़ा नंबर क्या आया एट, एट यहाँ लिखा। ठीक है, माइनस करेंगे नाइन माइनस एट वन, माइनस करने के बाद हमेशा जो भी डिजिट होती है क्वेश्चन में उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, साथ
देन उसके बाद अगेन स्टार्ट करते हैं, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, बिकॉज आ रहा है ये नंबर, तो 4 4 से क्या नंबर आया, 16, हाँ 16 लिखा, माइनस किया, ठीक है। और इसका जो हम चेक करेंगे, मैं आपको चेक सबका एक साथ ही करना बताऊँगी, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड, आपको टेबल्स अच्छे लर्न होने चाहिए, पता चला टेबल ही लर्न नहीं है तो फिर तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही नहीं कर सकते। तो टेबल तो आपको सब कम से कम 10 तक तो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, आगे भी होनी चाहिए लेकिन कम से कम। ओके स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम, फर्स्ट जब भी स्टार्ट करें उसमें हम स्टार्टिंग नंबर देखेंगे। स्टार्टिंग नंबर अगर क्या हो, मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग नंबर अगर इस नंबर से छोटा हो तब तो क्या करोगे, दोनों नंबर को यूज़ करोगे, क्योंकि हम 9 1 9 भी नहीं कर सकते। 9 1 9 भी अगर हमने कर दिया तो हम कैसे माइनस करेंगे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट के अकॉर्डिंग देखेंगे, 77 के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो 9। और अगर यहाँ पे इक्वल होती, 9 के इक्वल होती या 9 से अगर बड़ी डिजिट होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 9 से बड़ी तो हो नहीं सकती थी क्योंकि 10 होती है तो 2 डिजिट नंबर बन जाता, लेकिन यहाँ पे जो नंबर होता है जैसे इसमें था इक्वल था या छोटा भी होता, यहाँ पे 3 होता नहीं, यहाँ पे मतलब बड़ा नंबर होता तब भी हम 1 टाइम या 2 टाइम जैसे भी था हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर छोटा नंबर हो इस नंबर से, यहाँ पे क्या हो छोटा नंबर हो तो आप दोनों नंबर को यूज़ करना, 77 से चाहिए या उससे छोटा नंबर चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी यूज़ भी करना होता है। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7। अब ऐसे नहीं कि छोटा चाहिए तो कोई भी लिख दिया 9 6 54, नहीं, सारे नंबर ही छोटे हैं होने में, तो सारे नंबर ही छोटे तो हम कोई भी तो नहीं लिख देंगे ना। बड़ा नंबर जैसे ही आए ना उससे जस्ट पहले वाला नंबर लिखते हैं, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81। अब यहाँ पे आपने देखा 9 8 72 आया और 9 9 81 आया है, ठीक है, 9 9 81 और 9 8 72, तो 72 तो छोटा है और तो हम आगे बोलेंगे, और 9 9 लेकिन 81 आ गया, 77 तो आया ही, तो 81 तो बड़ा हो गया, तो 81 से जस्ट बड़े नंबर से जस्ट पहले वाला नंबर, सारे नंबर ही छोटे स्मॉलेस्ट है, है ना, 81 मतलब सारे ही 77 से तो आ ही नहीं रहा है ना। तो छोटा नंबर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 54 ले लो, कुछ भी ले लो, 36 ले लो, इतना छोटा नहीं लेना होता है। बड़े नंबर से 81 से जस्ट पहले वाला नंबर 72 लेंगे हम, है ना, 9 8 72। और हमेशा ध्यान रखना है माइनस करने पर जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आना चाहिए, इस नंबर से जिससे आप डिवाइड करें, जिसकी टेबल काउंट कर रहे हो उससे छोटा नंबर आना चाहिए। अगर बड़ा नंबर आपने यहाँ पे अपने बहुत स्मॉलेस्ट नंबर लिख दिया तो माइनस करने पर हमेशा इस नंबर से बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, अगर आपका माइनस करने पर बड़ा नंबर आ रहा है इस नंबर से तो आपने यहाँ पे छोटा नंबर यूज़ कराया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 लिखेंगे, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 50। तो ये तो छोटा ही था सॉल्यूशन, हो गया। तो चेक हम यहाँ कर लेंगे अपना, एक साथ ही करवाऊँगी मैं चेक करना कि 3 डिजिट नंबर का डिवाइड हो करना हो गया। अब हम ले लेते हैं 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर की डिवाइड सेकंड क्लास आपके नहीं है, बट आप अगर आपको क्वेश्चन आ जाएंगे 4 डिजिट नंबर के तो और अच्छी बात है, ठीक है, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। सेकेंड एंड थर्ड क्लास की 4 डिजिट नंबर की डिवीज़न वाली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपको आते हैं और भी बड़े क्वेश्चन अच्छी बात है, आपको और अच्छे से आ जाएंगे। सो यहाँ पे है 4 6 3 2, इसको डिवाइड करना है 9। डिजिट
बड़ी होने से यहाँ पे 4 नंबर हो या 5 नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको डिवाइड आ जाने चाहिए अच्छे से। अब देखो यहाँ पे छोटा नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है, छोटा है ना, दोनों नंबर को यूज़ करेंगे क्योंकि 9 1 9 भी करेंगे तो 4 में से 9 कैसे माइनस करेंगे ना, इसलिए दोनों नंबर से का यूज़ करेंगे। 46 देखते हैं हम 9 की टेबल में आता है क्या। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 5 45 9 6 54 तो आपने देखा 45 46 तो आया नहीं, 45 के बाद क्या आया 9 6 54 तो बड़ा हो गया, तो इसलिए पहले क्या लेंगे हम 9 5 45 ठीक है, माइनस करेंगे 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 4 माइनस 4 0 देन 3 अगेन काउंट द टेबल ऑफ नंबर 9 9 1 9 9 2 18 बड़ा नंबर आ गया सो 9 1 9। अब एक ध्यान रखना है 9 कभी भी यहाँ नहीं लिखना है, ये वंस डिजिट है तो ये भी वंस डिजिट या वंस प्लेस वैल्यू पर ही लिखेंगे ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 13 9 4 एंड यहाँ पे बॉरो लिया तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, माइनस करने के बाद हमेशा डिजिट, तो ये चीज़ चलती जाती है। यहाँ पे एक और नंबर होता तो हम वापस वही चीज़ करते, माइनस करते फिर नीचे डिजिट लिखते फिर माइनस करते फिर डिजिट लिखते ठीक है। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 तो बड़ा हो गया, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 4 36 हो गया, 9 5 क्या हो गया 45 हो गया, 46 तो बड़ा हो गया, तो 9 4 36 12 - 6 बोलो लेंगे आप। देखो अब कोई डिजिट नहीं है, अगर यहाँ पे कोई डिजिट होती तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते फिर वापस टेबल बोलते इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है इतने रिमाइंडर आए, तो दिस इज डिवीजर डिविडेंड क्वेशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर, जो भी बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, उसका चेक हम यहाँ पर ठीक है एक साथ करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना है, तो डिविडेंड कितना है
इनके नीचे हम जो जो नंबर है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ें लिखते हैं, डिविडेंड लिखा हो ना, तो डिविडेंड कितना है 496, तो हमने यहाँ पे 496, ठीक है, इक्वल का साइन है, इक्वल का लगा दिया। डिविजर की जगह हम डिविजर लिखेंगे, डिविजर नंबर, डिविजर कितना है 4, तो हमने डिविजर की जगह नंबर 4 लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन का नंबर कितना है 1 to 4, तो 1 to 4 हम लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हमने लगा दिया। रिमाइंडर लिखा हुआ है तो रिमाइंडर हमारा 0 है तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। वापस यही चीज़ करेंगे, 496 इक्वल का साइन, और 4 और 124 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रफ में देख लेना आपकी क्या आता है। 4 4 16 कैरी 1, 4 2 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 4 1 4, तो 496 हुआ, 496। फिर यहाँ पे प्लस, इसमें 0 करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी नंबर में 0 प्लस करते तो वही नंबर है। अब आप देखें डिविडेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, रिमाइंडर प्लस करने पर डिविडेंड वाला आंसर आया। इट्स में दोनों का आंसर इक्वल है, इसका मतलब है योर आंसर विल बी, योर आंसर इज करेक्ट। क्या है आपका आंसर? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन टू पे, इसको चेक करते हैं। सेम यही फॉर्मूला, फॉर्मूला सब में लिखना है, डिविडेंड इक्वल, यहाँ पे नहीं होता फॉर्मूला, नहीं आता। डिविडेंड कितना है इस क्वेश्चन में 774, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन लगा दिया। डिविजर कितना है 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। क्वेश्चन कितना है हमारा 86 है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है। 774 को वापस लिखेंगे, 9 और 86 को मल्टीप्लाई कर लेना रफ में। 9 6 क्या होता है 54 कैरी 5, 9 8 72 में 5 ऐड करेंगे 774, और प्लस 0 किया तो देखो आपका आंसर वही आएगा, और डिविडेंड का आंसर भी वही है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। जो आपने डिवाइड किया वो करेक्ट है। नेक्स्ट चेक है ना, कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। डिविडेंड कितना है इसमें 4 6 3 2, इक्वल का साइन लगाएंगे। डिविडेंड के नीचे डिविडेंड जहाँ लिखा हुआ है वहाँ डिजिट लिख दी, जो डिविडेंड वाली डिजिट है, इक्वल का साइन तो इक्वल का साइन लगा दिया। डिविजर कितना है 9, मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई लगा दिया। क्वेश्चन कितना है 514, और प्लस रिमाइंडर कितना है 6 है यहाँ पे, 6, ठीक है। 4 6 3 2 चलेगा वापस ऐसे, 9 और 514 को रफ में मल्टीप्लाई कर लेना। 9 4 36 का 6 कैरी 3, 9 1 9 प्लस 3 12, 9 5 45, मैंने जल्दी जल्दी किया है लेकिन आपको बता दिया है मैंने, इनको फिर 6 प्लस कर देंगे इसमें, 6 6 12 1, देख तो क्या आंसर आया आपका 4 6 3 2। तो डिविडेंड तो है, इसको प्लस करने पर भी 4 6 3 2 आया है। सो दो तीनों का आंसर क्या है, मतलब दोनों साइड आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये चेक हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से इसको चेक करेंगे, सो डिविडेंड इक्वल, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपके लिखना ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं। डिविजर डिविडेंड इक्वल डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड कितना है 4 3 4 3 2 5, इक्वल का साइन। डिविजर कितना है 8, इसको मल्टीप्लाई करना है 546, और प्लस रिमाइंडर कितना है 5, 8 और 54 को 8 से कर दो,
ये आया हंसी को लगा 4320 प्लस 5 करेंगे तो 4325 इक्वल 4325। दोनों साइड सेम आंसर आ रहा है, ट्रैक हो गया, योर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया, नहीं भी समझ में आया तो कल वाली क्लास में आपको एक बार तीनों क्लासेस को ये टॉपिक अगेन मैं आपको वापस समझा दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट डू दिस वर्क इन योर कॉपी। थैंक यू।